सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ काबली छोले की घुगनी। तो आज स्कूल नहीं है, आज है संडे का दिन, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, आज छुट्टी का दिन है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह काबली छोला बना रही हूँ। हस्बैंड जी घर पर है, बच्चे लोग भी घर पर है, और अभी हम नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं। इधर हमारे कबूतर सब देखिए, अभी वो लोग भी नहा रहा था, उसमें पानी रखा हुआ रहता है जिसमें वो लोग नहाता है, और ऊपर भी है सारे कबूतर। और आज संडे का दिन है तो सारे स्कूल ड्रेस वगैरह सारा कुछ धोकर मैंने सूखने के लिए भी दे दिया है। और देखिए इनको कैसे अभी तक सो रहे हैं इस रूम में, मतलब कि हस्बैंड जी अभी तक इनकी आंख नहीं खुली है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा प्याज भी बहुत ज्यादा ही जल गया, तो चलिए फटाफट से आलू डाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा भून के इसमें काबली छोला भी डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग एकदम इंजॉय कीजिए और हम लोग तो खाते खाते इंजॉय करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पर, थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, और भी एक रेसिपी इसी ब्लॉग पर मिलेगा, क्योंकि समझ ही सकते हैं आज संडे का दिन है और संडे के दिन में मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेशल होता ही है। तो चलिए आगे ब्लॉग पर देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए आप सबको एक चीज दिखाते हैं, देख सकते हैं ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि दुकान से मुझे मिला है और बहुत ही अच्छा चीज है। मतलब सुबह सुबह मुझे मसाला पीसना नहीं पड़ता है, और आप लोग को पता ही है मेरा मिक्सर खराब हो गया है तो मुझे सिलबट्टे पर पीसना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी आसानी हुई है। मतलब थोड़ा बहुत सब्जी बनाने के लिए काम चल जाता है, और ज्यादा कुछ बनाती हूँ तो फिर सिलबट्टे पर ही पीसना पड़ता है। तो ये हमारा घुगनी लगभग भुनी चुका है, अब बस इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, इसका ग्रेवी एकदम बनाना है बहुत अच्छे से। और आप सबको पता ही है कि सबको ही संडे के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बनाते हैं, क्योंकि संडे के दिन सब घर में रहते हैं, छुट्टी का दिन होता है, तो बच्चे भी घर में रहते हैं, हस्बैंड भी घर में रहते हैं। और किसी ने पूछा था कमेंट पर कि दीदी संडे को ऑटो बंद रहता है, तो जी नहीं, ऑटो बंद नहीं रहता, लेकिन मेरे हस्बैंड स्कूल के बच्चे लोगों को लाते हैं और पहुंचाते हैं, तो संडे के दिन स्कूल छुट्टी रहता है तो वो नहीं जाते हैं, और रोड पर भी चलाते हैं, बट संडे के दिन कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पूरा सप्ताह तो काम काम काम, लेकिन अगर फोन वगैरह किसी का आ जाता है, जाना पड़ता है, तो फिर चले जाते हैं। लेकिन आज घर में है तो देखते हैं आज अभी वो क्या लाने वाले हैं। अभी हम बनाकर आ गए हैं काबली छोले और रोटी, और आज क्या लाएंगे पापा? मांस मटन। तो आज मिलेगा इस ब्लॉग पे आप सबको मटन का रेसिपी, तो बने रहिए ब्लॉग पर। तो दोस्तों इधर मटन आ चुका है और इस पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और कढ़ाई भी गर्म हो चुका है तो उस पर तेल डालेंगे। और इधर हमारा एक खड़ा मसाला है जो कि है तेजपत्ता, दालचीनी, क्या है, लौंग, गोलकी, जीरा, इलायची, इधर है प्याज। तो सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ, अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और चलिए बनाते हैं मटन, फिर मटन बनाते बनाते आप लोग मटन देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। और मटन में मैंने सारा कुछ डाल दिया है, नमक, हल्दी, जितने भी मसाले होते हैं, जीरा, गोलकी गुंडी, मिर्चाई गुंडी, धनिया गुंडी, उसके बाद मटन क्या बोलते उसको, मीट मसाला, सारा कुछ। तो प्याज भून के लाल हो चुका है, और इसमें मैं डाल देती हूँ, तो गाइज मटन को अभी मैं थोड़ी देर ढक ढक के भून रही हूँ, ताकि ये कढ़ाई में ही
मतलब थोड़ा बहुत गल जाए उसके बाद कुकर में देंगे। तो देख सकते हैं अभी मैं भून रही हूँ और अभी इसको मैं बहुत बहुत देर तक भूनती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से भून कर अगर मैं मटन बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देख सकते हैं इसका कलर भी आ गया है और तेल भी छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये भून चुका है। फिर भी थोड़ी देर भून लेती हूँ उसके बाद ही कुकर में डालूँगी। तो अभी इसको मैंने कुकर में डाल दिया है, अभी तब तक मैं बर्तन धो लूंगी, उसके बाद ये बन जाएगा, फिर हम लोग करेंगे लंच। तो मिलते हैं आप सबसे कुछ देर बाद। तो दोस्तों शाम का टाइम है, संडे का दिन है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो अभी मैं कुछ बना रही हूँ शाम के टाइम, सुबह को तो हम लोग खा लिए, उसके बाद अभी बना रहे हैं। ये देखिए देखिए इधर ब्रेड चॉप है, तेल गरम हो रहा है, तो दोस्तों लाइन नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसीलिए बाबू टॉर्च लेकर बैठा हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी दिखा रहा है और मोबाइल का लाइट भी मैं जला जला कर काम कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड चॉप और हम लोग फिर खाएंगे गर्मा गर्म। तो दोस्तों इधर माँ और बाबू का झगड़ा हो रहा है और मम्मी बाबू से अभी कट्टी ले रहा है और देखिए कैसे झगड़ा हो रहा है दोनों का। और मैं अभी इधर से चुपके से वीडियो बना रही थी, बाबू को पता नहीं है, नहीं तो फिर बाप रे उसका तो गुस्सा देख ही रहे हैं कैसा गुस्सा है उसका। तो चलिए इसी खट्टी मीठी झगड़े के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम, टाटा बाय बाय गुड नाइट, और खाते हैं हम लोग।